अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू का भरता, जो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर हमने 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसे मैशर से मैश कर लेंगे। हल्का सा सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये देखिए, हमने आलूओं को इस तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसके मसाले देख लेते हैं। मसालों में हमने लिया है ये अखा धनिया लिया है हमने 1 टेबल स्पून, और इसमें हमने काली मिर्च ले ली है और जीरा ले लिया है 1 टीस्पून। इसे हम रोस्ट करके दरदरा सा कूट लेंगे। ये हमने करी लीव्स ले ली है, करी पत्ता। ये राई ले ली है हमने 1/2 टीस्पून, और ये हमने प्याज ले लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के, और ये हमने लहसुन ले लिया है, इसे हमने ग्रेट करके ले लिया है 10 लहसुन को। ये देखिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू के भरते में। दो टमाटर लिए हैं हमने बारीक कटे हुए। एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करके ले लिया है 3 टेबल स्पून। ये देखिए, इसमें हमने ऐड कर दिया है ज़ीरा 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड कर देंगे राई 1/2 टीस्पून। ये देखिए, गरम गरम ऑयल में हमने ऐड किया है। हाँ, अब ये हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे करी लीव्स। ये देखिए, इसे हमने धोकर ऐड किया था, इसलिए आप पीछे हट जाइए। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे, और हमें इसे गोल्डन भी नहीं करना है, गुलाबी भी नहीं करना है, बस इसे इसी तरह रखना है। इसी से इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, आलू के भरते का टेस्ट। प्याज को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे कच्ची स्मेल दूर कर लेते हैं इसकी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली की पेस्ट 1 टीस्पून। आप यहाँ पर ग्रीन चिल्ली को काट कर भी ऐड कर सकते हैं, तीखा अपने हिसाब से ऐड करें। ये हमने लहसुन ले लिया है, इसे हमने ग्रेट करके लिया था, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे, बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। इसे भी हम 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। अब हम ये टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हम 2 से 3 मिनट पकने देंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, सब चीज़ों को हल्का हल्का सा ही पकाना है। ये देखिए, अब हम इसमें ये हमने जो मसाला कूट लिया था, धनिया और ज़ीरा और काली मिर्च 3 से 4, इसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है फ्रेंड्स इसका। सॉल्ट ऐड कर देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हम 1/4 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिसे हमने धोकर ऐड कर दिया है इसमें। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें मैश किए हुए आलू ऐड कर देते हैं। अब बस इसे हम मिला लेते हैं, और ये रेडी है। 2 मिनट हम इसे 2 से 3 मिनट पकने देंगे। सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। अब हम ऊपर से हरा धनिया बारीक कटा हुआ और ऐड कर देते हैं। ये देखिए, कितनी टेस्टी दिख रही है ये, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। ये ऊपर से हम नींबू ऐड कर देते हैं, 1/2 लेमन जूस, और अच्छा टेस्ट आता है इससे। ये देखिए, आलू का भरता बनकर रेडी है फ्रेंड्स। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।